नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी को उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। तो चलिए अभी पूरा प्रोसेस आपको बताएं किस प्रकार से उद्यम रजिस्ट्रेशन को आप जो है एनेक्सर के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि उद्योग आधार का डिटेल्स के साथ में किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसमें आपको टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन डाउनलोड। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, देख सकते हैं। इस प्रकार से गूगल को आपको ओपन कर लेना है, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद देखिए ये जो है आप डायरेक्ट गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं udyamregistration.gov.in। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, दूसरा वेबसाइट को आपको नहीं ओपन करना है। देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो ऊपर में देखिए मेन्यू है, मेन्यू ऑप्शन में देखिए होम है और ये सारा मेन्यू ऑप्शन है, देख सकते हैं ऊपर में सारा मेन्यू ऑप्शन जो है मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है आप जा सकते हैं, देख सकते हैं प्रिंट, यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रिंट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ऊपर से भी आप ऑप्शन से जा सकते हैं, या फिर अगर यदि आप गूगल में डायरेक्ट सर्च करते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको टाइप करना है आपका जो उद्यम जो नंबर है उसको यहाँ पर टाइप करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उद्योग आधार या फिर उद्यम जो है रजिस्ट्रेशन का जो आपको नंबर मिला है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसको कंप्लीट आपको जो मिला हुआ है उद्यम नंबर उसको यहाँ पर कंप्लीट आपको टाइप करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इसको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस ऑप्शन से आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपका उद्यम नंबर है उसको आपको इंटर कर देना है। उसके बाद अगर यदि आप मोबाइल नंबर से अगर यदि आप ओटीपी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। और अगर यदि आप चाह रहे हैं कि ईमेल में आपको ओटीपी चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल का भी ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको ऑप्शन जो है अच्छा लगे, जो आपका ऑप्शन अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, तो मोबाइल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर पर ओटीपी चल जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से ओटीपी तुरंत सेंड हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको ओटीपी इंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ओटीपी जैसे ही आपके नंबर पर आ जाता है उसके बाद यहाँ पर ओटीपी को आपको इंटर कर देना है, देख सकते हैं। उसके बाद जो है वैलिडेट ओटीपी में आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये सारा डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपका देखिए ये खुल जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको दिख जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स देखिए यहाँ पर आपको दिख जाता है, देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट सर्टिफिकेट का आपको ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर प्रिंट में आपको आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जैसे आप प्रिंट सर्टिफिकेट में आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है दो ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर यदि सिर्फ आप अगर यदि चाहते हैं कि हमको सर्टिफिकेट सिर्फ प्रिंट करना है तो सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, और अगर यदि आप चाहते हैं कि डिटेल्स के साथ में अगर यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ऊपर में देखिए आपको जो है प्रिंट विथ एनेक्सर में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, देख सकते हैं। तो जो है एनेक्सर के साथ में अगर यदि आप प्रिंट करते हैं तो इसमें आपका सारा डिटेल्स आ जाता है, जो प्रोप्राइटर है, ओनर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ये सारा डिटेल्स आपका आ जाता है। और सिर्फ अगर यदि आप सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं तो सिर्फ ओनली सर्टिफिकेट में आपको जो है ओनर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, सिर्फ आपका जो आपका उद्यम है उसी का आपको डिटेल्स मिलेगा, जो आपका दुकान है, कंपनी है या फिर और किसी प्रकार का यूनिट है तो यूनिट का सारा डिटेल्स एड्रेस आपको मिलेगा, लेकिन उसमें ओनर का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि ओनर का इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको एनेक्सर के साथ में आप प्रिंट करना है, जो कि अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं, सेम आपको इसी प्रकार से प्रिंट विथ एनेक्सर कर लेना है। तो सारा डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब जो है आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, डाउनलोड सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, पीडीएफ में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप सेव रख सकते हैं, प्रिंट करके कहीं आपको आवश्यकता है तो वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।